सो फर्स्ट, ये वाली वीडियो कोई पेड वीडियो नहीं है। इनफैक्ट इस चैनल का एक भी वर्ड बायस नहीं है। सेकंड, ये वीडियो कोई जनरल यूजर अनबॉक्सिंग वीडियो भी नहीं है। ये वीडियो एक बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू वीडियो है, जिसको मैं इस गीजर को अच्छे से यूज़ करने के बाद एंड टेस्ट करने के बाद बना रहा हूँ, जहाँ मैं आपसे हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा एंड साथ ही मैं गीजर के हर एक टेक्निकल फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लाइक क्या है, क्यों है एंड क्वालिटी में कैसा है। विच मीन्स ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको ये डिसीजन लेना है कि हम स्पेसिफिक ये हैवेल्स मोनसा इसी गीजर लें या ना लें, बल्कि हर एक बंदे के लिए सूटेबल है जो यहाँ पे एक गीजर बाय करना चाहता है या फिर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। और बात रही यहाँ पे इस हैवेल्स मोनसा गीजर की, तो इस वीडियो में मैं इसको इसके अदर कॉम्पिटिशन से कंपेयर भी करूँगा, जिससे आप यहाँ पे अपने लिए एक परफेक्ट गीजर बाय कर पाओ अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ना कि कोई पेड यूट्यूबर के मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम इस हैवेल्स मोनसा इसी गीजर के एक डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से, जो आजकल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है, स्पेशली उनके लिए जो यहाँ पे ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं। बाकी मैंने इससे परचेस किया अमेजोन से, जो मुझे इस जेनरिक से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में डिलीवर हुआ, जिस पे कोई स्ट्रिप पैकेजिंग तक नहीं थी, बस इस पे एक ट्रांसपेरेंट टेप था अपर साइड में, इसलिए पैकेजिंग में इसे मिलते हैं पूरे ज़ीरो। इसके बाद यहाँ बॉक्स में आपको सबसे ऊपर कनेक्शन पाइप देखने के लिए मिलते हैं इनलेट एंड आउटलेट के लिए, जिनकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट, एंड इनकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर एवरेज है। लाइक इस कनेक्शन पाइप के जो यहाँ पे कनेक्टर्स हैं वो आपको प्लास्टिक के देखने के लिए मिलते हैं, जो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। बाकी इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैकेट मिलता है, जिसमें एक यूज़र मैनुअल, एक प्लास्टिक का पाइप एडेप्टर जिसका यूज़ यहाँ पे इंस्टॉलेशन में इनकी इंस्टॉलेशन पर्सन ने कहीं नहीं किया। फिर इसके बाद है दो फुल्ली मेटल बिल्ड हैवी ड्यूटी फास्टनर्स, जिनकी क्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट है। और वैसे यहाँ पे कुछ और ब्रांड्स हैं जिनमें आपको काफ़ी लो क्वालिटी के फास्टनर्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक एओस्मिथ, उनमें आपको जो फास्टनर के पीछे का ब्रैकेट है उसके जगह पे यहाँ पे प्लास्टिक के राउंड प्लग्स मिलते हैं। एनीवेज, इसके बाद हमें यहाँ पे अपना मेन गीज़र मिलता है एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में, एंड इसमें आपको जो मल्टी फंक्शनल बॉल है वो ऑलरेडी इसके इनलेट पाइप पर इंस्टॉल किया हुआ मिलता है, जिसको आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे निकलवा के टेफ्लॉन टेप लगवा के रीइंस्टॉल करवाना है। और वैसे इसकी जो कॉर्ड है उसमें आपको एक 16 एम्पीयर का प्लग पहले से इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलता है। नाउ अब यहाँ पे पहले मैं आपको इस गीजर के जो भी सारे फीचर्स हैं उनको अच्छे से वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी हीटिंग टाइम, प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड कॉम्पिटिशन से कंपेरिजन की बात करेंगे। सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है गीज़र का टैंक, जो इसमें आपको अल्ट्रा थिक कोल्ड रोल्ड स्टील का मिलता है, जिसके इनर साइड में ग्लास लाइन कोटिंग है, जो इस गीज़र के टैंक को सालों साल कोरोजन से प्रोटेक्ट करेगा, जिसे हैवेल्स फेरो ग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी बोलता है, जो मेरी नॉलेज एंड रिसर्च के हिसाब से बेस्ट कोटिंग टेक्नोलॉजी है। सेकेंडली, इसमें आपको 2000 वॉट का इंक्लॉय 800 ग्लास लाइन हीटिंग एलिमेंट मिलता है, जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली चार टाइप के हीटिंग एलिमेंट जो हमें मार्केट में मिलते हैं उन सब में सबसे अच्छा है, स्पेशली हार्ड बॉर्डर एरियाज के लिए। सो इन शॉर्ट, अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड बॉर्डर आता है तो ग्लास लाइन टैंक एंड ग्लास लाइन हीटिंग एलिमेंट एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके लिए, जो आपके गीजर को लॉन्ग लाइफ अचीव करने में सबसे अच्छे तरीके से मदद करेगा एंड कोरोजन वगैरह को अपने गीजर से दूर रखेगा। थर्ड, इसमें आपको एक हैवी ड्यूटी मैग्नीशियम की सेक्रिफिशियल एनोड रॉड मिलती है, जो अपने आप को करोड़ करके गीजर के हीटिंग एलिमेंट एंड टैंक के ऊपर जो सेडिमेंट, सॉल्ट्स एंड मिनरल फॉर्मेशन होता है उन सबको रोकेगा, जिससे गीजर के टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट की लाइफ इंक्रीज हो एंड साथ ही में यहाँ पे पावर कंजप्शन एंड हीटिंग टाइम लो रहे। और वैसे ये जो एनोड रॉड होती है उसके सेक्रिफिशियल नेचर के वजह से आपको कुछ सालों बाद इसे चेंज करना होता है, जिसका टाइम यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके घर में कैसा पानी आता है। फोर्थ, ये गीजर एक IPX4 रेटेड गीजर है,
विच मीन्स अगर गलती से यहाँ पे गीज़र पे कुछ पानी के छींटे भी पड़ते हैं तो भी आपका गीज़र वो ख़राब नहीं होगा। बाकी इसकी आउटर बॉडी यहाँ पे पाउडर कोटेड मेटल की है एंड मुझे यहाँ पे पर्सनली इसकी बिल्ड क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं है, चाहे फिर वो इसके फास्टनर की क्वालिटी हो, इसके हैंगर की क्वालिटी हो जिस पे इस गीज़र का सारा वेट रहेगा, या फिर टॉप एंड बॉटम के प्लास्टिक की क्वालिटी हो, सबकी क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। फिफ्थ, इसके टैंक एंड आउटर बॉडी के बीच में हाई डेंसिटी PUF इंसुलेशन मिलता है जिससे गीज़र के टैंक से हीट का मिनिमम लॉस हो एंड ये जो पानी है अपने टैंक के अंदर वो ज़्यादा देर तक गर्म ही स्टोर रहे, जिसका आइडिया आप यहाँ पे इसकी ICR रेटिंग से भी लगा सकते हो जो इसके केस में है 5 स्टार। एंड स्टैंडिंग लॉस वैल्यू है 0.419 किलोवाट आवर पर 24 आवर की, जो एक 15 लीटर गीज़र के अकॉर्डिंगली अच्छी है। और वैसे ये वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी उतनी अच्छी उसकी रेटिंग रहेगी एंड इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर एक कैपेसिटी वाले गीज़र के लिए अलग होते हैं। लाइक 25 लीटर के 5 स्टार गीज़र की जो वैल्यू है वो यहाँ पे जनरली 0.5 के ऊपर ही रहती है। सिक्स्थ, इसमें आपको एक विल फ्लो टेक्नोलॉजी मिलती है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से जो गीज़र के इनलेट वाटर का वर्टिकल फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिससे इनलेट का ठंडा पानी यहाँ पे आउटलेट पाइप जो अपने गीज़र के अपर मोस्ट सेक्शन में होता है वहाँ तक बिल्कुल सीधा स्पीड में नहीं जाता, बल्कि आराम से यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट वाले सेक्शन से होके जाता है, जिसके वजह से कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर के बीच में इमीडिएट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, जिससे गीज़र को यूज़ करते समय आपको कंसिस्टेंट हॉट वाटर परफॉर्मेंस मिल सके। सेवन्थ, इसमें आपको एक थर्मोस्टैट एंड एक थर्मल कट ऑफ फीचर मिलता है, यानी कि थर्मोस्टैट की वजह से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अपने गीज़र का हीटिंग टेम्परेचर सेट कर सकते हो इस नॉब के हेल्प से, जिसकी रेंज है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम आगे टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे प्रीसेट थर्मल कट ऑफ से ये मतलब है कि इनकेस यहाँ पे गीज़र का थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो इस केस में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 96 डिग्री सेल्सियस पे ये अपने गीज़र को ओवरहीट होने से रोकेगा अपने गीज़र को कम्प्लीटली कट ऑफ करके, जो एक मैंडेटरी फीचर है यहाँ पे हर गीज़र में। और वैसे इसमें आपको एक एनालॉग टेम्परेचर डिस्प्ले भी मिलती है सामने की तरफ और यहाँ पे हीटिंग इंडिकेटर और पावर ऑन एंड ऑफ इंडिकेटर भी मिलते हैं। एट्थ, इसमें आपको एक मल्टी फंक्शनल बॉल मिलता है जिसकी यहाँ पे 4 फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, ये गीज़र के अंदर एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप को होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंड, ये एक नॉन रिटर्न वॉल की तरह काम करता है जिससे हॉट वाटर का बैकफ्लो ना हो। थर्ड, ये एक वैक्यूम रिलीज वॉल की तरह भी काम करता है। फोर्थ, इसकी मदद से आप यहाँ पे अपने गीज़र का जो पानी है उसको खाली कर सकते हो एज अ ईयरली मेंटेनेंस आफ्टर विंटर सीजन। नाइन्थ, ये एक 8 bar प्रेशर रेटेड गीज़र है जो इसे हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए कंपैटिबल बनाता है एंड साथ ही में अगर आपके यहाँ पे प्रेशर पंप लगा हुआ है तो इस केस में भी आप इस गीज़र को यूज़ कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हैं। तो फर्स्टली इसमें आपको एक बेस्ट वारंटी पैकेज मिलता है विच इज़ 2 years कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट, 4 years वारंटी ऑन इट्स हीटिंग एलिमेंट एंड 7 years वारंटी ऑन इट्स टैंक। सेकेंडली, इसके साथ आपको यहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलती है सिटीज़ में। इसके अलावा बाकी जगह पे यहाँ पे 300 rupees आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे। और वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे हैवेल्स के इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग वो यहाँ पे डिसेंट है। मेरे यहाँ प्रोडक्ट के डिलीवर होने के बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो गई थी जिसमें इसको अराउंड 15-20 minutes लगे थे एंड जो इंस्टॉलेशन क्वालिटी थी वो अपने कोई भी लोकल प्लम्बर जैसी ही थी।
और वैसे भी इंस्टॉलेशन कोई ऐसा बहुत बड़ा काम तो है नहीं जहाँ पे मैं इसकी क्वालिटी आपको जज करके बता सकूँ। एंड वैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये जो अपना मल्टी फंक्शनल वॉल है इसके ऊपर का जो कवर है उसको निकाला जाएगा। एंड साथ ही में यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि मल्टी फंक्शनल वॉल के साइड में लीवर के पास आपको एक स्क्रू मिलता है जिसको आपको यहाँ पे अनस्क्रू करना है इतना कि आपका जो लीवर है वो पुल हो जाए एंड यहाँ पे जो वाटर है वो इससे निकलने लगे। और अगर आप वैसे चाहो तो इस पूरे स्क्रू को निकाल के भी अलग रख सकते हो। और वैसे यहाँ पे मेरे केस से मैंने गीज़र को अपने बाथरूम के अंदर इंस्टॉल नहीं करवाया है जिसके वजह से यहाँ पे मेरे केस में गीज़र के लुक्स डिज़ाइन या बोलो एस्थेटिक और साथ ही में यहाँ पे जो नीट इंस्टॉलेशन है वो कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। नाउ अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस गीज़र को ज़्यादातर डिपार्टमेंट में बेस्ट बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये गीज़र मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय किया है। और जो बंदा यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गाइड करता है वो यहाँ पे ख़राब या बोलो बेकार चीज़ तो लेगा नहीं। बाकी हम हीटिंग टाइम की बात करें तो ये गीज़र 23 डिग्री के इनलेट वाटर को अप्रॉक्स 40 डिग्री तक हीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 8-9 मिनट्स ले लेता है जो मेरे अकॉर्डिंगली नहाने के लिए मोर देन इनफ है। फिर चाहे आप यहाँ पे बकेट बाथ लेते हो या फिर शावर लेते हो। सेकेंडली इसका जो वाटर फ्लो है वो भी इनफ है। यहाँ मेरे केस में ओवरहेड टैंक की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट की है अपने गीज़र से। और वैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी इतनी कोई ज़्यादा ठंडी पड़ नहीं रही तो इसलिए यहाँ पे इसके फर्दर टेस्ट रिजल्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। बट इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे वन मंथ प्लस के यूजेस में मुझे यहाँ पे इससे अभी तक कोई भी शिकायत नहीं है। एंड वैसे यहीं पे मैं एक और पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वाटर आता है तो यहाँ पे कुछ मंथ के यूजेस के बाद आपको अपने गीज़र में से वाटर बॉयलिंग पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड सुनाई दे सकती है कुछ इस टाइप से। और वैसे इसके पीछे का जो रीज़न है वो है मिनरल्स सॉल्ट सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन जो अपने गीज़र में हो जाता है आपके यहाँ पे जो हार्ड वाटर आ रहा है उसकी वजह से, जिसके वजह से यहाँ पे हीटिंग के टाइम पे जो एयर पॉपिंग साउंड्स होती हैं वो आपको सुनाई देती हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसका कोई यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एटलीस्ट मेरे नॉलेज में। बस इसको कम या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एवरी 6 मंथ अपने गीज़र को प्रॉपरली फ्लश करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ऑफ सीजन में गीज़र यूज़ नहीं करते तो आपको अपने गीज़र को प्रॉपरली फ्लश करने के बाद यहाँ पे जो इनलेट वॉल्व है उसको क्लोज कर देना है जिससे आपके गीज़र के टैंक हीटिंग एलिमेंट एनोड रॉड एंड सब की यहाँ पे जो लाइफ है वो इंक्रीज होगी। बाकी अब यहाँ पे कॉन्स कंक्लूजन एंड कंपैरिजन से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मैं इस वीडियो के थ्रू अगर आपकी डिसीजन मेकिंग को इजी कर पाता हूँ तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे अपने लिए एक परफेक्ट गीज़र ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आपको मेरी बेस्ट गीज़र की एज ऑलवेज डिटेल एंड अनपेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। एंड साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इस ब्लॉग की लिंक भी मिलेगी जहां आपको ऑलवेज अपडेटेड रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेंगे विद टू द पॉइंट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इसलिए यहां पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेने से पहले आप मेरी वीडियो एंड ब्लॉग को ज़रूर विजिट करना। थर्ड, अगर आपका यहाँ पे कुछ भी डाउट रहता है इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाइज मिलेंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखना है जो वीडियो के बीच में है। और वैसे यहाँ पे जो आपको लिंक्स मिलेगी ब्लॉग एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे जेन्युइन सेलर्स की लिंक है एंड साथ ही मेरी एफिलिएट लिंक्स भी हैं जिसके थ्रू अगर आप यहाँ पे अपनी परचेज कंप्लीट करते हो तो आप इस टाइप के अनबायस्ड अनपेड प्रॉपर डिटेल रिसर्च्ड कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च करे हुए, जिससे मैं आपको आगे भी ऐसी एंड इससे भी बेटर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। नाउ अब यहाँ पे हम कॉन्स कंक्लूजन एंड कंपैरिजन की बात करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला गीज़र मुझे 5,800 रुपीज़ का पड़ा था, और अगर मैं आपको इस प्राइस रेंज में इसके कॉन्स गिनाऊँगा तो मैं गधा कहलाऊँगा। इस प्राइस में तो आपको यहाँ पे एक सेकंड थॉट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं अगर मैं इसकी जनरल प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए बोलूँ विच इज़ अप्रॉक्स 7,500 रुपीज़, तो इस प्राइस रेंज में इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात की है। और वैसे अगर आप यहाँ पे ब्रीफ में जानना चाहते हो तो करेंटली इस प्राइस में भी ये यहाँ पे एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वेल स्टैब्लिश एंड ट्रस्टेड ब्रांड हैवेल्स का प्रोडक्ट है। सेकेंड, इस पे यहाँ पे जो ओवरऑल वारंटी पैकेज है वो भी बेस्ट है। थर्ड, इस गीज़र में आपको सारे ही फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो एक गीज़र में होने चाहिए, चाहे वो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स हो या फिर परफॉर्मेंस इन्हेंसर फीचर्स हो। बस मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स पॉइंट आउट करना चाहूँगा। फर्स्टली, यहाँ पे जो इनके कनेक्शन पाइप हैं उनकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे थोड़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च के दौरान कुछ ओवर स्मार्ट लोग देखे अपने अमेज़ॉन के रिव्यू सेक्शन में, जिनका ये कहना था कि इसमें आपको एक सेफ शॉक प्लग नहीं मिलता, या बोलो शॉक सेफ प्लग नहीं मिलता। तो मैं इनसे बोलना चाहूँगा कि इतने प्राइस रेंज में आपको ये नहीं मिलेगा, किसी अदर ब्रांड में भी नहीं मिलेगा। और वैसे अगर आपको ये शॉक सेफ प्लग चाहिए तो आप इसे एक्सटर्नली भी बाय कर सकते हो, एक्सटर्नली भी लगा सकते हो, जो एक इंटीग्रेटेड शॉक सेफ प्लग से बेटर ऑप्शन रहेगा, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है फिर भी अगर आपका डाउट रह गया है कुछ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछना, विदिन 48 आवर्स आपको अपने रिप्लाई मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए अनबायस कंटेंट के फॉर्म में, तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टिंग।